अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान टॉक्स एंड व्लॉग्स। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आपको यकीनन मज़ा आएगा सुनने में और आपको करने में भी मज़ा आएगा। अच्छा, तो नॉर्मली जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बात हो रही होती है वो मुख्तलिफ ऐप के हवाले से बात हो रही होती है कि ये ऐप आप डाउनलोड कर लें, वो ऐप डाउनलोड कर लें, आपको इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, सैकड़ों डॉलर्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में वो मैं ये तो आपको नहीं बताने वाला कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लें, वो ऐप डाउनलोड कर लें। मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। भाई देखें, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपको शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स सेल करते हो जिसमें शामिल हैं एयरबड्स, जिसमें शामिल हैं स्मार्ट वॉचेस, जिसमें शामिल हैं और भी डिफरेंट एक्सेसरीज जो कि आप आगे जाके सेल आउट कर सकते हो। इन स्टार्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि आप दो या तीन चीज़ें ही सेल आउट करो ताकि आपको उसका फ़ायदा होना और लर्निंग होना साथ साथ चलता रहे। ठीक है, तो आप लर्न करते जाओगे तो आप अपने कारोबार को खुद ब खुद ही स्केल अप करते जाओगे। तो ये सबसे पहले आपको लर्न ज़रूर करना है। देखिए, अगर आपको गैजेट्स को सेल आउट करना है तो आपको सबसे पहले होलसेलर के पास जाना होगा। आप घर से निकलें, घर बैठे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, आपको घर से निकलना होगा। घर से निकलें, एक अच्छा होलसेलर ढूंढें, उस अच्छे होलसेलर से आप कुछ प्रोडक्ट लें, 10,000 रुपये का या 20,000 रुपये का, जितनी आपको ले सकते हो आप उस अमाउंट का आप उस वो गैजेट्स ख़रीदो, चाहे एयरबड्स लो, कुछ स्मार्ट वॉच ले लो, ज़्यादा महंगे ना हो, सस्ते हो, ताकि आप उसको आसानी से सेल आउट भी कर सको। लेट सपोज आप एक्स अमाउंट का अगर आप उस होलसेलर से ले रहे हो, सारे कॉस्ट उसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें ऐड करो और उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सेल आउट करो। देखो, सोशल मीडिया आपका बहुत बड़ा टूल है। आप उसमें फेसबुक में एक्टिव हो, आप इंस्टाग्राम में एक्टिव हो, आप टिकटॉक में एक्टिव हो, आप व्हाट्सएप में तो एक्टिव रहते ही हो, तो आप उन सोशल मीडिया के ज़रिए अपना फ़ायदा क्यों नहीं करना चाहते? आप उससे अपना फ़ायदा भी तो लो। उसको आप जितना अपने फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करोगे, आपको उससे ज़्यादा और फ़ायदा कौन दे सकता है? जो अब आप उसमें ऑनलाइन सेलिंग करोगे, सारी चीज़ सेल करोगे, तो आपको उससे फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? आप जो भी एयरबड्स लाते हो, लेट्स सपोज आप वो एयरबड्स लाए, आप उसको जो भी एयरबड्स आप लाए मार्केट से ख़रीद कर, आप क्या करो, उसकी छोटी सी क्लिप बनाओ, 30 से 40 सेकंड की वीडियो बनाओ, उसके स्पेक्स बताओ, उसके क्वालिटी बताओ, सारी चीज़ें बताओ 30 से 40 सेकंड में, अच्छी वीडियो बनाओ और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल करो। इतना वायरल करो कि आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करो। आपकी वीडियो को देखने के बाद लोगों का दिल करे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच को भी आप क्या करो, उसको अनबॉक्स करो, 30 से 40 सेकंड की वीडियो बनाओ, उसके स्पेक्स दिखाओ, सारी चीज़ें बताओ, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करो, रील्स के फॉर्म में अपलोड करो, नॉर्मल वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करो, लेकिन वीडियो के फॉर्म में अपलोड करो। तस्वीरों के साथ साथ वीडियो बहुत लोग देख रहे होते हैं और जब वो स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहे होते हैं तो आपकी वीडियो उसमें लाजमी तौर पर जा सकती है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जितने भी हैं, वो सब आपकी वीडियोज़ को देखने के बाद लाजमी हैं कि उनमें से कोई ना कोई आपको ऑर्डर ज़रूर देगा। तो आप इसको स्केल अप कैसे करोगे? आपके एक दो प्रोडक्ट अगर आप सेल आउट होते हैं तो भाई आपको बिजनेस माइंड के जरिए उसमें काम करना है, उस अमाउंट को खर्च नहीं कर देना। उस अमाउंट का आप दोबारा प्रोक्योर करो, दोबारा परचेज करो, दोबारा बाय करो होलसेलर से और दोबारा उस गैजेट्स को सेल आउट करो। उसी तरह वीडियोस बनाकर डिफरेंट प्रोडक्ट लेते जाओ, सेल आउट करो, ये साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल जितना चलता रहेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा और आप फिर वक्त के साथ साथ स्केल अप कर सकते हो, उसमें दूसरे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, दूसरे प्रोडक्ट ऐड करो, जो आपके डिफरेंट एसेसरीज है वो ऐड करो, आगे जाके आप मोबाइल फ़ोन भी सेल आउट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपका इसमें स्कोप है, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको उन चक्रों से निकलना पड़ेगा कि आप घर बैठे बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। आपको घर बैठे उस वक्त करना होगा जब आप उसको स्केल अप कर लोगे, आपके सारा काम जो है आसानी से चल रहा होगा, उस वक्त आप कर सकते हो। शुरू में आपको तो यार थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। बनिस्बत आप किसी ऐप को डाउनलोड कर इसको क्लिकिंग क्लिकिंग करके कमाने से बेहतर है आप अपना खुद का कारोबार करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
नेक्स्ट जो उसमें चीज़ है वो आपको डिलीवरी का है कि आप उसको किस तरह डिलीवर करते हो। देखो मेरा मशवरा तो ये, अगर आपको आपके सिटी से अगर ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको खुद डिस्पैच करो, बाइक स्टार्ट करो, खुद जाओ डिलीवर करो, आपको उसका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका मार्जिन बच जाएगा। लेकिन अगर आपका स्केल अप हो गया है, ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप लेपर्ड के ज़रिए भी सेल आउट कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, साथ साथ टीसीएस के ज़रिए भी कर सकते हो, बाइक के ज़रिए भी कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली बताया, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने लंबी वीडियो नहीं बनाने का सोचा था कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आता। कोशिश मेरी ये थी कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बता दूं कि आप किस तरह अपने काम को बढ़ा सकते हो, किस तरह स्केल अप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो इसी दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।